माय डियर फ्रेंड, पार्ट 9 ऑफ क्वेश्चन 5 हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी प्रूव करनी है आपको, ये सभी एक्यूट एंगल्स हैं या नहीं है। एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स की जो आइडेंटिटी है उसका यूज करके आपको यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर है। देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोस सेक ए है, इसके अंदर माइनस किया है साइन ए और उसमें भाग दिया है सेक ए माइनस कोस ए। हमें पहुंचना है टेन और कोट के रूप में। यहां कोस एक साइन और कोस हैं, तो टेन और कोट के रूप में लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। यानी कोस एक ए है, इसको आप लिख लीजिए 1/sin a, क्योंकि साइन कोशेक का उल्टा होता है। माइनस में क्या है, साइन ए, ए तो पहले ही साइन ए है, इसीलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नीचे वन रख दीजिए। और इसके नीचे में सेक ए है, इसको आप लिख दीजिए 1/cos a, ठीक है, उल्टा होता है सेक का उल्टा कोस, और माइनस में आपका कोस ए है पहले से ही, इसके नीचे वन रख दीजिए। यानी ये जो है यहां पर गुणा है, ये भाग नहीं है, तो इसको आप यहां पर जो है गुणा कीजिए इससे, क्या 1/cos a - cos a/1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये माइनस का, ये माइनस का। अब इसको कैसे लिखेंगे आप, देखिए इसको मिटा दीजिए आप, ये गुणा का निशान है। अब देखिए इसको पहले आप सॉल्व कर लीजिए, यानी इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम का आया साइन ए आया, तो ऊपर क्या आएगा 1 - 1 का भाग दिया साइन ए में, तो साइन ए आया, साइन ए को साइन ए से गुणा किया तो साइन स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। और इधर गुणा में इसका आपने लिया एलसीएम कोस ए आया, कोस ए का भाग दिया तो 1 आया, इधर भाग दिया तो कोस स्क्वायर ए आ गया, ठीक है। इसको आपने और सरल कर लिया। अब आइडेंटिटी यूज कीजिए, यहां आइडेंटिटी है 1 - sin² a, और ये क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है। 1 - sin² a का मूल्य जो है आइडेंटिटी होता है कोस स्क्वायर ए, तो आप इसको लिखिए कोस स्क्वायर ए, यहां लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए, ये इसकी जगह आ गया। और इसके नीचे क्या है, साइन ए, और इसके गुणा में क्या आएगा, 1 - cos² a। देखिए यहां पर 1 - sin² a, तो 1 - cos² a कितना होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, उल्टा हो गया ना, एक में से कोस घटाएंगे तो साइन बचेगा और एक में से साइन बचाएंगे तो कोस बचेगा, कंप्लीमेंट्री है दोनों एक दूसरे के, इसीलिए ये हो जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, ये वाला। अब देखिए क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए को काटेंगे, क्या बचा, साइन ए, कोस ए को कोस स्क्वायर ए से कटेंगे तो क्या बचेगा, कोस ए। अब आपके पास क्या बचा, कोस ए और गुणा साइन ए, अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो गुणा माना जाएगा। ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड का, ये जो है इसका सारांश। अब आप आइए राइट हैंड में, अब इसके आगे तो ये जा नहीं सकता, ठीक है। अब राइट हैंड वाले को आपको कोस और साइन बना दो, इसका भी आंसर यही लाना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, इधर लिखिए 1/tan a, ठीक है। और टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कोस ए, ये अपने 1/tan a को लिख दिया। और इसमें आपको जोड़ना है कोट ए, कोट ए क्या होता है, टेन ए का उल्टा होता है, इसीलिए टेन ए का ये लिया है तो कोट ए का क्या हो जाएगा,
कोस ए अपॉन साइन ए, ये आपने कोट ए का लिख दिया, यानी ये पूरा आपका समीकरण बन गया। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, एलसीएम कोस ए साइन ए आएगा, दोनों को गुणा किया, कोस ए का भाग दिया तो साइन ए बचा, साइन ए को साइन ए से गुणा किया तो क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए, और यहां कोस ए और साइन ए में साइन ए का भाग दिया तो कोस ए बचा तो ये क्या हुआ, कोस स्क्वायर ए। यानी अब आपका ये बन गया, एक ऊपर तो है ही, यानी आप इसको आप लिख दो ऐसे, एक बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए साइन ए। अब देखिए एक के नीचे ये सारा है तो इसका इन्वर्स कर दो आप, यानी इसको जो है इसको ऊपर ले आओ और इसको नीचे ले आओ, यानी ये बन जाएगा आपका, आप जो है इसको इन्वर्स कर दो तो ये कोस ए साइन ए तो चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये एक खत्म हो गया, एक को हटाने के लिए आपने इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, आपका ये बन गया। नाउ साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या होता है, आपको पता है एक होता है, इन दोनों का मूल्य होता है एक, तो क्या बचा, ऊपर बचा कोस ए साइन ए और नीचे क्या हो गया, एक, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, ये एक्यूट एंगल वाली आइडेंटिटी होती है, कई आइडेंटिटी आई इसमें, ये भी आई, ये भी आई और ये भी आई, ठीक है, तीनों आइडेंटिटी आ गई, सारी आइडेंटिटी आपको याद करनी पड़ेगी नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब एक का कोई मतलब है नहीं तो ये क्या हो गया, कोस ए साइन ए, ये क्या हो गया, ये राइट हैंड वाला, ठीक है, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, कोस ए साइन ए, राइट हैंड साइड भी कोस ए साइन ए, दोनों इक्वल हो गए, इट मींस इट इज प्रूव्ड, क्लियर। देखिए यहां पर आपको ये पूरा आंसर दिया हुआ है लिखित के अंदर, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके या डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।